चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और इसके विकल्प हैं और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। ऑप्शन सी के अनुसार मानव का जन्म लैंगिक जनन द्वारा हुआ है और इसमें अधिक विभिन्नताएं हैं, क्योंकि लैंगिक जनन अनेक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है और इस तरह उत्तरजीविता की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन ए के अनुसार मानव का जन्म अलैंगिक जनन द्वारा हुआ है और इसमें अनेक विभिन्नताएं हैं, यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि मानव अलैंगिक जनन द्वारा पैदा नहीं होते हैं तथा अलैंगिक जनन अनेक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन बी के अनुसार जीवाणु का जन्म लैंगिक जनन से हुआ है और उसमें कम विभिन्नताएं होती हैं, यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जीवाणु लैंगिक जनन से पैदा नहीं होते हैं तथा लैंगिक जनन अनेक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। और ऑप्शन डी के अनुसार जीवाणु का जन्म अलैंगिक जनन से हुआ है और उसमें कम विभिन्नताएं हैं, यह विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि अलैंगिक जनन से अनेक विभिन्नताएं नहीं होती हैं।